हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विंदास। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और क्योंकि मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही थी और मेरी 3-4 मीटिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को अपने साथ ले चलूं। और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपने साथ लेके जा सकूँ। एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू आउटसाइड एंड आई शोड यू लाइक दिस इज़ अनलॉक 2 इन काठमांडू, यू कैन हैव अ लुक। एंड दिस इज़ नाउ ऑन सेकेंड टाइम आफ्टर दैट आई एम गोइंग बिकॉज आई हैव टू गो टू मीट डॉक्टर्स फॉर सम पर्सनल प्रॉब्लम एंड देन आई हैव टू गो समवेयर। आई विल शो यू, जैसे इसमें जाऊँगी मैं आपको दिखाऊँगी। मेरे साथ मेरी फ्रेंड नीता, यू मेट हर इन ब्लॉग बिफोर ऑल्सो। सो चलिए मेरे साथ और घुमाती हूँ आपको, ब्लॉग कराती हूँ काठमांडू दर्शन। सो कीप ऑन वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरा ब्लॉगिंग कैमरा हो, सो मैं सब्सक्राइब लाइक हिराई रहती हूँ। मैं कहाँ आऊँ छू चश्मा करा जी हाँ जी यहाँ दाई था यो ज्वाला खेल का फसल हो ऑप्टिकल को बरिस्ता वाले कमरे में। सो यही आऊँ छू मैं अपने चश्मा को लगी तो टेरा भाई हो आपको फेरी और मैं यहाँ की दीजिए मारा करी। तो बेसिकली ज्वाला खेल है यहाँ पर। ज्वाला खेल में एक जगह है जहाँ सामने सारा मोबाइल की शॉप्स हैं। सो दिस बिल्डिंग नेम इज नॉर्थ थंग बिल्डिंग और बाहर से ही ऐसे पूरे शीशे की बिल्डिंग है। यहाँ से दिखा रहे, ये बाहर से पूरे शीशे की बिल्डिंग है जिसमें बैंक है। पहले यहाँ बरिस्ता हुआ करता था, अब बरिस्ता बंद हो गया है, उसकी जगह हॉटमार्क खुल गया। अभी लॉकडाउन में तो बंद था, खुला नहीं, खुला हॉटमार्क खुल गया। तो यहाँ मैं आती हूँ, मेरे को अपने आई कॉन्टैक्ट बॉशन लंग्स के जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं या मुझे किसी और कंपनी के कॉन्टैक्ट लेंस लेने होते हैं तो मैं इन्हीं के पास आती हूँ। और ये ही हैं जो मेरे जितने भी हमारे घर में चश्मे, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, यहीं से आ इनके पास दोनों ऑप्शन है। आपको अगर ब्रांडेड चाहिए तो ब्रांडेड भी मिलेगा, दैट्स लाइक दे हैव रेवन, रेवन एवरीथिंग, दे हैव कॉपी ऑल्सो, दे हैव चाइनीज ऑल्सो। आपको बता के देंगे, चाइनीज बोल के ब्रांडेड नहीं बेचेंगे। तो ही विल टेल यू लाइक दिस इज चाइनीज एंड दिस इज फर्स्ट कॉपी और दिस इज ओरिजिनल। तो आपको जो लेना है आपकी बजट के हिसाब से आप यहाँ आके ले सकते हो। Emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. So guys, मैं आई हूँ हॉटमार्क बरिस्ता में एक शेक लेने के लिए, क्योंकि मुझे दूसरा काम है और मैं अब शेक लेके गाड़ी में बैठूंगी और जाऊंगी वो काम के लिए। मैं यहाँ से जाऊंगी न्यू रोड। न्यू रोड यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट है। न्यू रोड यहाँ की ऐसी मार्केट है जैसे कि दिल्ली में हमारा सदर बाज़ार, चांदनी चौक। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंडियन किराने की चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पर नहीं मिलती हैं। तो न्यू रोड में मेची किराना करके एक शॉप है जहाँ मुझे ये सब सामान मिल जाएगा एक्सपेक्टिंग। यहाँ मैं 6 महीने से नहीं गई हूँ, आज मैं जा रही हूँ। अब ऐसा है कि ये भी रेड अलर्ट एरिया रहा है कोरोना के लिए, थोड़ा डर भी लग रहा है, बट देखेंगे अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो हम वापस आ जाएंगे। क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो मुझे कुछ घर के लिए, व्रत के लिए खाने का सामान भी लेना है। तो इंडियन ग्रॉसरी का काफ़ी सामान जो है मेची किराना न्यू रोड से मिल जाता है। तो ये शेक लेके मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। अब मुझे नहीं पता कि वो मार्केट अभी खुली है या बंद है या भीड़ है। वहाँ पे हर तरीके का सामान मिल जाता है, वहाँ रिटेल आउटलेट्स भी हैं और अंदर अंदर जाके जैसे हमारे सदर बाज़ार में होलसेल मार्केट्स है ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। सो गाइस, ये है न्यू रोड। हम लोग यहाँ पहुँच गए वहाँ से शेक लेने के बाद, और मैं थी ज्वाला खेल। ज्वाला खेल से यहाँ का रास्ता कुछ ज़्यादा किलोमीटर नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा देर लगती है पहुँचने में, मुझे स्पेशली मुझे तो लगती है क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ। तो ये जो मार्केट है यहाँ पे आपको हर तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी, हर तरीके की, मतलब हर तरीके की। रिटेल मार्केट भी है, होलसेल मार्केट भी है। तो मुझे मेरी मम्मी के लिए चार्जर लेना था, फ़ोन का चार्जर उनका ख़राब हो गया था, तो मैं यहाँ उनके लिए चार्जर ले रही हूँ और उसके बाद आगे देखते हैं। यो कैमरा जांच कर सकूं?
इसको सेंटर ऑफ एक्स को लाके ये यूज हो जाए तो गाइस मैं यहाँ अपने लिए ले रही थी मिनी पॉड ब्लॉगिंग के लिए मुझे एक ट्राईपॉड चाहिए था जो मैं मूव कर सकूँ. मेरा वाला टूट गया था. कितना पसीना आ रहा है मेरे सिर पे. मैंने हम लोगों ने सबने यहाँ पे डबल ट्रिपल मास्क लगाए हुए थे क्योंकि दिस इज़ द रेड अलर्ट एरिया फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस कोविड. सो यस बेसिकली गाइस ये जो आप पूरी रोड देख रहे हो ना ये पूरी रोड. वैसे मैंने ना डबल मास्क लगाया. पहले मैं अपने को दिखा देती हूँ. मैंने डबल मास्क लगाया है क्योंकि ये रेड अलर्ट एरिया था कोरोना के लिए. तो ये जो पूरी मार्केट है दिस इज़ ओनली फॉर फोन एंड गैजेट्स एंड एवरीथिंग. आपको यहाँ मिलेगी. अब मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ मुझे एक्चुअली में काम था, इंडियन ग्रॉसरी का. तो आओ मैं दिखाती हूँ. ये वो जगह है जहाँ पे इंडियन राशन मुझे मिल जाता है. बेची गिराना. हाँ पहले भी आई थी मैं, सेकंड बार आई. आपको मालूम होगा तीन कोने का जैसा आता है उसका आटा हो गया. और ये कुटू कोने से अलग ही चलता है. नाना होता है कुटू, वो भी फूट का ही होता है. इसके दिस इज मेची किराना भंडार वेयर यू कैन फाइंड ऑल द इंडियन ग्रोसरी हियर. है ना नवरा जो व्रत के भी मुझे खाना यहाँ पे मिल गया. सो गाइस दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन बाय ऑल इंडियन ग्रोसरी. आपको व्रत का खाना ना मिले या आपको कोई शरबत ना मिले वो यहाँ से मिल सकते हैं. तो अब मैं बाहर जा रही हूँ गाड़ी की तरफ. फॉलो मी. तो अब हम जा रहे हैं यहाँ के बाटपटीनी में. बाटपटीनी इज़ लाइक बिग बाजार इन इंडिया. तो यहाँ पे सेगमेंट्स होते हैं. यू गेट द ग्रॉसरी, क्लोथ्स, पर्सनल केयर, यू नो यूटेंसिल्स, क्रॉकरी, फर्नीचर, किड सेक्शन, एवरीथिंग दे हैव. सो आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई हैव टू बाय सम राशन. तो अब आप देखेंगे यहाँ की क्लिप. 1 2 3 गो. गाने चल रहे कॉपीराइट आ जाते हैं. ये हम कहीं जाते थे दिल्ली में हाईवे पे तो हमें इमली और ये सब मैं बोल नहीं सकती गाना. आई लव हेंड आई लव. सो हाय गाइस कैसे हैं आप लोग. सॉरी मैंने कल का ब्लॉग ख़त्म नहीं करा, साइन आउट नहीं किया, साइनिंग ऑफ नहीं किया क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं आगे और दिखाऊंगी. और मैं न्यू रोड मेची किराना गई थी तो वहाँ से मुझे कुछ घर के लिए ग्रॉसरी लेनी थी प्लस मुझे एक केक लेना था क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है आज और उनको कुछ नहीं पता. हस्बैंड इज़ नॉट फीलिंग वेल. वो थोड़ा सा बेड रेस्ट पे हैं और थोड़ा सा स्ट्रेस भी है उनको किसी चीज़ का. तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको एक सरप्राइज़ दे दूँ केक कटवा कर और थोड़ी सी डेकोरेशन कर. इस तरीके से हमने वहाँ का खाना खाया और वहाँ से फिर हम लोग घर वापस आ गए. घर वापस आके जो जितना सामान मैंने ग्रॉसरी का लिया था या जो भी चीज़ें हमने ली थी ग्रॉसरी वगैरह से रिलेटेड वो आके मैंने डिसइंफेक्ट करने के लिए सैनिटाइज करी, उनको धो के रखा. धो के हम लोग उसको टोकरी में बास्केट में अच्छे से रख देते हैं. यहाँ नांगलू होती है बड़ी सी, उसमें रख देते हैं और फिर उसको हम 12 घंटे 13 घंटे रखते हैं. और वैसे भी सुबह से यहाँ धूप आनी शुरू हो जाती है और वो सैनिटाइज हो जाता है. तो मैंने प्लान किया है थोड़ा सा सरप्राइज़ फॉर माय हस्बैंड. अभी वो सो रहे हैं, उन्होंने दवाई खाई हुई है बट थोड़ा सा तो बनता है ना. तो उनका थोड़ा मूड ठीक करने के लिए तो हम सब ने मिल के थोड़ी सी डेकोरेशन करी है. मैं भी आपको ग्लिम्स दिखाती हूँ डेकोरेशन के. उसके बाद मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ कि अंधेरा हो जाए तो थोड़ा कैंडल वगैरह चलेंगी तो सुंदर लगेंगी. चलिए तो मैं आपको ग्लिम्स दिखाती हूँ.
प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। थोड़ी थकी हुई हूँ सुबह से, अभी मेरी हालत पूरी ख़राब हुई पड़ी है क्योंकि सुबह से हम लोग घर के कामों में बिज़ी थे, उसके बाद फिर हम ये डेकोरेशन वगैरह में बिज़ी थे, उसके बाद कुछ चीज़ें नहीं मिली तो फिर बाहर जाके घर से लेकर आए तो टाइम नहीं मिला। अभी हम लोग भी तैयार होंगे, तैयार होकर शाम को आपके साथ मिलते हैं बर्थडे पार्टी में। इट्स लाइक फैमिली अफेयर, नॉट एज सच बिग पार्टी, बट डेकोरेशन आपको अच्छी लगेगी शायद, तो मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए मैं आपको थोड़ी सी डेकोरेशन दिखा देती हूँ जो करी है हमने। अभी मैं आपको डे व्यू दिखा रही हूँ, जब तक हस्बैंड उठेंगे तब तक शायद नाइट व्यू होगा। सो तैयार हैं आप लोग? सो तैयार हैं आप लोग? दिखाऊँ थोड़ा सा, दिख रहा है? ओह इसमें तो बिल्कुल भी कैश नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा रोशनी है। ओके लेट मी शो यू। सो दिस इज इट, लुक एट दिस गाइस। बर्थडे का ए फूट गया है तो वो थोड़ा सा पीछे है, बाकी तो अंडरस्टूड है। मेरा कैमरा गंदा हो रहा है ये, ओह शिट सॉरी गाइस, मेरा कैमरा गंदा था मुझे पता नहीं था, मुझे अभी पता चला। सो इस तरीके से हमने एक्चुअली, ये मेरा डाइनिंग एरिया है, ये पूरा मेरा डाइनिंग एरिया है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये वाइट पर्दे हैं इधर बेस में, तो मैंने वाइट पर्दे पे ये गोल्डन पर्दे लगा दिए हैं। हैप्पी बर्थडे का ये जो बलून्स आते हैं ये लगा दिए हैं, एंड ही इज़ 43 नाउ। अब क्या है ना, हम लोग बार बार इसको ठीक कर करके थक चुके हैं, तो जब फाइनली केक कटिंग होगा तो मैं इसको ऐसे थोड़ा ठीक कर दूँगी। और इस तरीके से हमने जो है ये लगा, ये निकल गया है देखो, बड़ा मुश्किल है यार टेप से लगाना इसको। और यहाँ आए कुछ फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, और यहाँ हैं कुछ कैंडल्स जो जब वो आएंगे तो मैं जलाऊंगी। अगेन सम फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, इसकी बहुत खुशबू आती है। एंड देन अगेन फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, एंड यू नो व्हाट्स दिस। अभी ये पूरा अंधेरा एंटी लाइट हो रहा है एक्चुअली, क्या तो अब यू नो दिस इज टू चेयर फॉर विंटेज गुड टाइम्स। सो दिस इज लाइक दिस, एंटी लाइट हो रही है, अगर मैं यहाँ के जलाऊंगी तो भी होगी। तो होल लुक जो है इस वॉल का ऐसे इस तरीके से आ रहा है। ये बर्थडे में अभी थोड़ा ठीक कर दूंगी। एंड देन हेयर इज अ टेबल जहाँ हम केक काटेंगे, ये मैंने अभी घर में बनाया है, सेम ऐसा ही अभी घर में बनाया है। मेरे साथ मेरी कहाँ गई नीता फ्रेंड, ने मेरी बलून फुलाने में मदद करी है। बस बलून फुलाने में नहीं, और भी किया। हाँ मतलब डेकोरेशन में सब हम लोगों ने मिलके किया है। एंड देन थोड़े से ऊपर हमने यहाँ बलून लगा दिए। वो रिबन जो आप पिंक देख रहे हो, मैंने इसलिए लगाया ताकि हमारी दीवारों पे टेप का निशान ना रहे। ऑल दो ये बहुत अच्छा वाला पेंट है जिसमें जो होता है ना वाटर प्रूफ, आप ऐसे भी पानी के कपड़े से भी वॉल्स ऑफ कर सकते हो। और कुछ बलून्स यहाँ नीचे हैं आप देख सकते हो। तो अभी इसका लुक थोड़ा रात को आएगा, तो अभी ये एंटी लाइट हो रहा है एंड आई एम वेटिंग फॉर माय हस्बैंड। तो ये है गाइस, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। कुछ बोलना ही नहीं आता है मुझे वैसे ना, जब मैं दीदी के साथ होती हूँ ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, नेपाली बोलूँ या हिंदी बोलूँ। तो उनके साथ चलती हूँ ना मैं भूल जाती हूँ कि मैं नेपाली हूँ। अभी भी देखा ना मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ। हाँ एक्चुअली ये है कि वैसे मैं भी नेपाली बोलती हूँ, आज नेपाली यू, हाँ यू नेपाली हो, मैं इंडियन हूँ, बट हम लाइक वी आर फ्रेंड्स। तो जब ऐसा होता है, जब ये मेरे साथ होती है तो ये हिंदी बोलती है, और जब मैं इसके साथ होती हूँ तो मैं नेपाली बोलती हूँ। तो हम ऐसे ही करते हैं, मेरा तो अभी पूरा ऐसे ही हो गया है, सब पंजाबी नेपाली इंग्लिश सारी मिक्स हो गई है मेरी, मतलब हिंदी। तो मेरी शैतान से मिले हो आप लोग, मेरी शैतान कहाँ है? डू यू वांना सी माय शैतान? ये रही मेरी शैतान, देख मैं इसकी टी शर्ट में क्या लिखा है, लुक एट हर व्हाट इज रिटन देयर। एक तो हम पंजाबी, ऊपर से क्यूट। सो हाय गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग एंड दिस इज व्हाट माय बेबी वेयरिंग। एंड डू यू नो आई एम वेरी गुड एट मेकिंग इंग्लिश सॉन्ग्स, for my daddy I'm going to sing one like happy birthday to me। So humne ye decoration, ab ye raat ka time hai, thoda andhera ho raha hai, to yahan pe maine unko bulaya hai, maine unko kapde diye hain ki pehen ke 2 minute ke liye bahar aa jao aur uske baad hum log yahan celebration karenge, and main aapko dikhaungi jaise aise hoga, zyada nahi, thode thode clip mein।
ये है एलिस रेस्टोरेंट, मैंने वहाँ से मंगवाया है अपने हस्बैंड के लिए खाना, क्योंकि इनको यहाँ का खाना स्पेशली बहुत पसंद है। यहाँ का प्रॉन गार्लिक, यहाँ का कुम्पाओ चिकन बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है। तो कुछ मैंने वहाँ बॉल में, इधर मैंने बॉल में डाल दिया है, कुछ अभी डल रहा है। तो यस, मुझे पता नहीं था मेरे घर पे यहाँ से डिलीवरी होती नहीं है एलिस की, बट हो गई। थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा बट ठीक है, हस्बैंड के वो तो खुश करना ही पड़ेगा ना, हस्बैंड के लिए कुछ भी। क्या बोल रहे हो? ये लगा रहे हैं, दिन में धूप नहीं आएगी। क्या दीदी, जीजू का बर्थडे था, चेयर्स वेयर्स नहीं कर पाए। ऐसे भी बर्थडे पार्टी होती है क्या? बताओ जरा। वो बोलो, वही पी लेती हूँ मैं। ये लोग कह रहे हैं दिसंबर में मेरा बर्थडे आ रहा है ना, 22 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब कमेंट में जरूर विश करना, अभी है टाइम। बट 22 दिसंबर मेरा बर्थडे होता है, तो कह रहे हैं ये लगे रहने दो। मैंने बोला, कहते ये लगे रहने दो, बर्थडे सेलिब्रेट कर देंगे। उससे पहले मैंने बोला कि 22 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, 22 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, तो मुझे सिर्फ लंच डिनर पे टरकाना नहीं, ये कुछ जैसे मैं मेहनत करती हूँ, हार्डवर्क करती हूँ, वो भी हार्डवर्क मेरे लिए भी करे कोई। तो कहते हैं किया ना एडवांस में ही है। तो कहते हैं कि ना, मेरी मम्मी कहती है इसको लगे रहने दो, इसी को यूज कर लेंगे। और बीच में अगर आपको दिख रहा हो तो आर और टी और एच, वो कह रहे हैं हमें छोड़ दो, हवा निकल गई इनकी है। और दिसंबर तक तो ये कहेंगे हम गए, हमें निकालो, ऐसे हो जाएगा, हम दोबारा हवा भर देंगे, हवा भर देंगे। सो गाइस, ये ब्लॉग यहीं तक था, कल का भी आपने देखा और आज का भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये थोड़ा सा ब्लॉग बड़ा होगा। होप आप लोगों को ये पसंद आए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दूसरों के चेहरे पे भी खुशी आनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड का बर्थडे आज है, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़े से लो फील कर रहे हैं, उन्होंने मास्क वास्क लगाया हुआ है। बट देर इज नो कोरोना टिल नाउ, अभी तक कोई कोरोना की ऐसी न्यूज नहीं है। इट्स अ वायरल, माइट बी अ वेदर वायरल फीवर और समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज़ नीचे कमेंट में विश ज़रूर करना मेरे हस्बैंड के लिए, एंड जस्ट से हैप्पी बर्थडे टू योर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू योर हस्बैंड, यू कैन राइट डाउन, एंड थैंक यू सो मच, बाय, चाओ, चीयर्स, चाओ।